टमाटर खाने से किसी को परेशानी हुई आज तक? बहुत खाते हैं टमाटर, हर चीज में डलता है टमाटर। आपको पता है यूरोप के देशों ने 100 साल तक टमाटर नहीं खाया। क्या सोचा पता है? इसमें जहर है, इसको खाने से मौत भी हो सकती है। गार्डन में देखने में अच्छा लगता है, खाना नहीं, जहर है, मर जाओगे। 100 साल तक ये मिथ चलती रही। बाद में हुआ ये कि यूरोपियंस को विटामिन सी की कमी होने लगी, वो विटामिन सी की कमी से मरने लगे, मौत होने लगी। तब किसी ने जाके समझाया कि मेरे भाई इलाज तो तुम्हारे अपने बाग में है, टमाटर तो तुम्हारे अपने बाग में लगे, उसे तोड़ो, उसे खाओ, विटामिन सी की कमी पूरी होगी तो तुम जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं। 100 साल बाद जाके मिथक टूटा और लोगों ने, यूरोप ने टमाटर खाना शुरू किया। 1996 में, इस बात पे ताली मत बजाइए, तो टमाटर की बात है, ताली अब बजाना इसके बाद। 1996 में जब डायरेक्ट सेलिंग आया तो बहुत बड़े हुजूम ने ये मान रखा था कि ये जहर है, इसको करोगे तो मर जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। पर इस मिथक को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में टमाटर तो दूर की बात है, टमाटर तो जब मिलेगा तब मिलेगा, पर उसे खाए बिना भूखमरी से न जाने लगभग रोजाना 50-100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। पर जब भूखमरी से मरने लगे तो ऐसे कुछ अच्छे फरिश्ते उतरे दुनिया में जिन्होंने कहा इलाज है हमारे पास, और वो इलाज डायरेक्ट सेलिंग है, हमारे पास है। और तब ये जाके मिथक टूट गया कि डायरेक्ट सेलिंग कोई जहर है। डायरेक्ट सेलिंग जहर नहीं है, ये एक वरदान है सचमुच, और ये भाग्यशालियों को मिलता है।